हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग ठीक हो। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, मतलब कि ये फ़ोटो बहुत ही अच्छा एडिट होने वाला है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखते रहना, तब भी आप लोग अच्छी तरह से कुछ समझ में पाओगे। तो चलो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, मतलब कि ओपन कर लेना है इस फ़ोटो को लेके। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है अपनी फ़ोटो को लेके, ये फ़ोटो क्यों नहीं लेके। तो उसके बाद आपको ऐड फोटो में आपको आ जाना है गाइस, देख सकते हो ऐड फोटो, बहुत ही बढ़िया। ऐड फोटो में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐड फोटो में आपको आकर आपको आप लोग देख सकते हो ये, इस पर आपको क्लिक कर देना है, बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद जो अपनी बैकग्राउंड है वो आपको लगा देना है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है मैं ढूंढ के लगा देता हूँ। तो गाइस, आपको बैकग्राउंड का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो बैकग्राउंड यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, तो गाइस आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो गाइस, मैं अपनी बैकग्राउंड का लेकर मैं ऐड कर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। तो गाइस, आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहना, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलो गाइस, मेरा जो बैकग्राउंड है मैं उसको ढूंढकर लगा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा बैकग्राउंड, देख सकते हो। तो मैं ले चुका हूँ गाइस, मेरा बैकग्राउंड जो है मैं ले चुका हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से जूम कर लेना है गाइस, बहुत ही बढ़िया। जूम कर आपको अच्छी तरह से लगा देना है, इस तरह से लगा देना है, देख सकते हो आप लोग, इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, लगाने के बाद आपको देख सकते हो जो राइट है, सॉरी जो देख सकते हो इरेज वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रबर जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है गाइस, इन्वर्टर जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको ब्रश पे आपको आ जाना है गाइस, देख सकते हो ये ब्रश वाली पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर आपको इसको फुल कर देना है और इसको अपने मुताबिक साइज को ले लेना है, बहुत ही बढ़िया। लेने के बाद आपको इस तरह से कुछ अच्छी तरह से पेंट कर देना है गाइस, देख सकते हो अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से पेंट कर लेना है गाइस। तो गाइस, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि गाइस आप लोग ऐसे ऐसे करोगे, आप लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपनी साइज को। तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो देख सकते हो इस तरह से अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, अच्छी तरह से, मतलब कि कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो गाइस, पहले आपको कुछ कठिन लगेगा, तो आप लोग धीरे धीरे कर सीख जाओगे। तो गाइस, आप लोग ट्राई तो ज़रूर करो गाइस, ट्राई करने से सब कुछ होता है। तो अब तो ट्राई तो करो, तब भी ना होगा नहीं तो कैसे होगा भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, आप ट्राई तो करो। तो चलो गाइस, इस तरह से आपको अच्छी तरह से कर लेना है। तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा पेंट करना हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको फिर से एक राइट पर क्लिक कर देना है, देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको आ जाना है ड्रॉ टूल एप्लीकेशन के अंदर, देख सकते हो जो मेरा ड्रॉ टूल है, आप लोग देख सकते हो ये रहा मेरा ड्रॉ टूल, इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आप लोग देख सकते हो थ्री डॉट, देख सकते हो कॉर्नर पे थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है, बहुत ही बढ़िया। सेव कर लेने के बाद आपको लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, देख सकते हो मैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइट पे आकर कॉन्ट्रास्ट को इस तरह से कुछ दे देना है, थोड़ी सी हाईलाइट को भी इस तरह से थोड़ी सी माइनस की ओर कर देना है, शैडो को थोड़ी सी दे देना है गाइस, वाइट को माइनस की ओर कर देना है, देख सकते हो। उसके बाद आपको नीचे वाली जो है उस पर आपको आ जाना है, देख सकते हो टेम्प को इस तरह से करीब माइनस कर देना है गाइस, टेम्परेचर को करीब इतना सा माइनस की ओर रख देना है, टिन को भी करीब इस तरह से माइनस की ओर रख देना है, थोड़ी सी वाइब्रेंस को करीब
इतना सा रख देना है गाइस, देख सकते हो सैचुरेशन को थोड़ी सी प्लस की ओर रखना है 10 की घड़ी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको मिक्स में आकर आपको ऑरेंज पे जाकर सैचुरेशन को इतना सा कम कर देना है, ल्यूमिनेंस को करीब इतना सा प्लस की ओर कर देना है, बहुत ही बढ़िया। तो देख सकते हो गाइस, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आपको येलो में आकर आपको ह्यू को माइनस की ओर कर देना है, सैचुरेशन की प्लस की ओर कर देना है, और ग्रीन में आकर ह्यू को माइनस की ओर सैचुरेशन की प्लस की ओर, ब्लू को इस तरह से सैचुरेशन की प्लस की ओर कर देना है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, अपनी मुताबिक ले लेना है। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाली टूल में आ जाना है, आने के बाद टेक्सचर को करीब थोड़ी सी दे देना है, क्वालिटी को भी थोड़ी सी दे देना है गाइस, इसको भी थोड़ी सी दे देना है, बिगनेट को माइनस की ओर कर देना है, देख सकते हो, मिड पॉइंट को भी माइनस की ओर कर देना है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको शार्पिंग को करीब इतना सा रख देना है गाइस, कलर नॉइस को इतना सा रख देना है, देख सकते हो, नॉइस रेटिन को भी इतना सा रख देना है, कॉन्ट्रेस्ट को करीब इतना सा रख देना है, और स्मूथ इतना सा दे देना है, डिटेल्स भी दे देना है, मैस्किन को भी दे देना है गाइस, देख सकते हो। तो गाइस आप लोग देख लो, पहले मेरा फोटो इस तरह से था, अभी मेरा फोटो कुछ इस तरह से हुआ है, बन के रेडी हुआ है। तो गाइस मेरा फोटो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं फ़ोटो सेव कर लूँगा गाइस। तो गाइस आप लोग ये फ़ोटो स्मूथ करने के लिए आप लोग चल जाना ऑटोटैक्स एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस स्मूथ कैसे करता है मैं सबका वो वीडियो में बना चुका हूँ, तो मेरा वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा या आई बटन के अंदर होगा, आप लोग चाहो तो देखकर सीख सकते हो। तो तब तक के लिए मैं ये वीडियो को ये फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। तो गाइस वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, नहीं जानते हो तो। चलो गाइस मैं वीडियो को इस पर एंड करता हूँ।